भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। हम फेसबुक पर देखते हैं, बहुत लोग लिखते हैं, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा जिनको भारतवर्ष विद्वान मानता है वो लिखते हैं अवतरण दिवस है आज मेरा। प्राणियों का अवतरण होता ही नहीं है, अवतरण परमात्मा का होता है। यहां वैयाकरण लोग बैठे हैं, अवतरण का अर्थ है उतर जाना, और हम लोग उतरते नहीं, हम लोग गिरते हैं। जैसे कोई कुएं में गलती से गिर गया तो उसे क्या कहते हैं, गिर गया। लेकिन कोई रस्सी पकड़कर गिरे हुए व्यक्ति को निकालने जाता है तो क्या कहते हैं, कुएं में उतर गया। भगवान धराधाम पर उतरते हैं, उनका अवतरण होता है। भगवान के 24 अवतार। अवतार का मतलब क्या है, असीम से ससीम, ऐश्वर्य का त्याग कर माधुर्य के धरातल पर आ जाना। आजकल विद्यार्थी भी सब पढ़ने लिखने वाले नहीं है, केवल झोला ढोते हैं कि दक्षिणा मिलेगी। कितना हो समझाइए लेकिन वो समझने वाले नहीं। अवतार किसे कहते हैं, अमान भक्तान तारयतीति अवतारः। ऊपर से नीचे आना, ऐश्वर्य का त्याग कर माधुर्य को स्वीकार कर लेना, असीम से ससीम हो जाना, बड़ा से छोटा हो जाना, और बाप से बेटा बन जाने वाली क्रिया का नाम अवतार है। भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के 24 अवतारों की चर्चा हुई। चौबीस अवतारों की चर्चा क्यों हुई, श्रीमद् भागवत में भी 24 अवतार और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक। वाल्मीकि का कभी पारायण करके देखिएगा, हर 1,000 श्लोक के बाद तत् सवितुर वरेण्यम, त के बाद फिर त आएगा, फिर ब आएगा, हर 1,000 श्लोक पर तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन्हीं 24 अक्षरों को भगवान महर्षि वाल्मीकि ने, इन्हीं गायत्री को आधार बना करके 24,000 श्लोक, 24 अवतारों की चर्चा क्यों हुई, क्योंकि भगवान 24 कैरेट सोना है, और 24 कैरेट जो सोना होता है बिल्कुल असली सोना होता है, भगवान में मिलावट हो ही नहीं सकती। इंद्र जैसा अभिमानी भी कह दिया कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस तमस्कम माया मयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते इति ग्रहण अनुबंध। भगवान का पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, भगवान का दूसरा अवतार हुआ वाराह के रूप में, तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में, चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण हुए, पांचवा भगवान कपिल देव का अवतार हुआ, छठे अवतार में भगवान दत्तात्रेय हुए, सातवां अवतार यज्ञ नारायण के यहाँ हुआ यज्ञ नारायण के रूप में, आठवां भगवान ऋषभदेव जो जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, नवम अवतार भगवान का पृथु, दसवें में मत्स्य, ग्यारहवां कच्छप, बारहवां धन्वंतरी, त्रयोदशम जो तेरहवां हुआ वह मोहिनी, चतुर्दशम नारसिंहम, चौदहवें अवतार में भगवान नृसिंह हुए, पंचदशम वामनकम, पंद्रहवां वामन का, सोलहवां अवतार भगवान परशुराम का, सत्रहवें अवतार में भगवान वेदव्यास, पिता पराशर, माता सत्यवती, नाम पड़ा पाराशर, उनको पाराशर भी कहते हैं, और कृष्णद्वीप में जन्म हुआ तो कृष्णद्वीपायन भी नाम पड़ा। व्यस्ताः वेदाः अनेन च, वेदों का विभाजन किया इसलिए उनका नाम वेदव्यास हुआ। और 18वें अवतार के रूप में कौशल्यानंद संवर्धन,
अवध नरेंद्र नंदन भक्त और चंदन भगवान श्री रघुनंदन राम भद्र और भगवान का जो 19वां अवतार हुआ बलराम, 20वें में भगवान कृष्ण, 21वां हंस, 22वां हयग्रीव, 23वां बुद्ध और 24वां कल्कि अवतार होगा। जिस बुद्ध को हम लोग बुद्ध मानते हैं ये वास्तव में वे बुद्ध नहीं है, ये बात आप समझें। सब प्रमाण आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। भागवत महापुराण में लिखा है कि बुद्धो नाम न जनसुतः कीकटेशु भविष्यति, कीकट देश में बुद्ध का जन्म होगा। कीकट देश कौन कौन से देश हैं? तो कीकट देश के विषय में वर्णन कर रहे हैं कि अंग बंग कलिंगेशु सौराष्ट्र मगधेशु च, अंग बंग कलिंगेशु सौराष्ट्र मगधेशु च, तीर्थयात्रां बिना गत्वा पुनः संस्कार मर्हते। पांच हैं कीकट देश। अगर बिना तीर्थ यात्रा के किसी विशेष प्रयोजन में आप जाते हैं तो वहां से आने के बाद उपनयन संस्कार फिर से होना चाहिए, स्मृति ग्रंथ का प्रमाण है। तो ये लुम्बिनी में जो बुद्ध हुए ये बुद्ध कीकट देश के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन अब इसी बुद्ध को इतना हाईलाइट किया गया कि यही बुद्ध हो गए। मूलतः वे जो बुद्ध थे वो काश्यप बुद्ध थे। जो वो बुद्ध हुए उनके पास यज्ञोपवीत था और उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे जाकर ज्ञान प्राप्त किया था और उसी बोधि के नीचे ये भी बुद्ध पहुंच गए, लेकिन वे बुद्ध भी ढक गए और ये बुद्ध प्रकाशित हो गए। देखिए हमारे यहां अनिश्वरवादी को नास्तिक नहीं कहा गया। नास्तिक किसको कहा गया? नास्तिको वेद निंदक। जैसे हमारे यहां कुछ ऐसे दर्शन हैं, सांख्य अनिश्वरवादी है फिर भी उसे आस्तिक में रखा गया, और जैन तो नास्तिक है ही, और बुद्ध जो बौद्ध है वह भी हमारे यहां नास्तिक दर्शन में ही आता है। जो वेद को माने और परमात्मा को न भी माने उसे आस्तिक कहा गया, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है। वेद को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अपौरुषेय वेद है। और आजकल के इतिहासकार ईसा से 5000 वर्ष पहले वेद की बात करते। अब कोई कहता है महाराज वेद कब से है? कहा जब से भगवान तब से वेद।